न्यूज की इस खास पेशकश में मैं जोया खान आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश विदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके साथ मंच साझा किया। इसके बाद एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चेतावनी दी है कि यदि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया तो पूरे महाराष्ट्र में तमाम नेता और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस सूत्र बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड के अलग अलग गिरोहों की तर्ज पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी बॉलीवुड हस्तियों से उगाही करने की फिराक में था। इसी बीच मुलुंड के नवघर इलाके में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न की घटना से सबक लेते हुए पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है, क्योंकि स्कूल खुलने ही वाले हैं। तो उधर राकांपा नेता सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पुणे के संत तुकाराम शिला मंदिर देहू में उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। तमाम तलखियों के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके साथ मंच साझा किया। इस दौरान राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इस मुलाकात के दौरान जब आदित्य ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे, तब पीएम ने उनके कंधे पर हाथ रखकर काफी देर तक बातचीत की। ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की नाराजगी को पीएम ने इस तरह से बड़ी ही सरलता से और विनम्रता के साथ खत्म कर दिया। पीएम आदित्य के साथ जिस तरह से पेश आए, उसने एक बार फिर महाराष्ट्र में नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी ऐसी मुलाकातें होती रही है। ऐसी एक मुलाकात बीते वर्ष जून के महीने में हुई थी। बंद दरवाजे के पीछे दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात तकरीबन 30 मिनट तक चली थी। बाद में राज्य के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण और मुख्यमंत्री अजित पवार को उस मीटिंग में बुलाया गया था। ये मीटिंग पीएम आवास में हुई थी। इस मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम भले ही राजनीतिक रूप से एक साथ नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता टूट चुका है। ठाकरे ने कहा था कि मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, मैं अगर अपने देश के पीएम से अलग से मिलता हूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बेवजह राहुल गांधी और गांधी परिवार को फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया तो पूरे महाराष्ट्र के तमाम नेता और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन करेंगे। पटोले ने कहा कि हमने राज्य भर के लिए सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अलर्ट मोड पर रखा है। अगर केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ भी गलत निर्णय लिया तो जेल भरो आंदोलन होगा, और कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। इसी क्रम में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नाना पटोले ने सरनेम को आधार बनाकर अन्य पिछड़ा वर्ग का डेटा जमा करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये गलत पद्धति है। एक ही सरनेम के लोग विभिन्न जातियों में रहते हैं, डेटा एकत्र करने का ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है। अगर इस तरह से डेटा एकत्र किया जाता है तो ओबीसी समाज की सही संख्या सामने नहीं आएगी, ये समाज पर अन्याय होगा। इस मसले को लेकर नाना ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। उन्होंने ओबीसी समाज का सही आंकड़े जमा करने के लिए संबंधितों को निर्देश देने की गुजारिश की है। अंडरवर्ल्ड के अलग अलग गिरोह की तर्ज पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी बॉलीवुड हस्तियों से उगाही करने की फिराक में था। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बिश्नोई गैंग से जुड़ी जांच महाराष्ट्र में दो एजेंसियां कर रही है, पुणे ग्रामीण पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच। पुणे ग्रामीण पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सलमान खान सलीम खान को धमकी वाले पत्र से जुड़े केस में मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार ने पुणे जाकर कुछ आरोपियों से पूछताछ भी की है। खुद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए भी मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम दिल्ली आ गई थी। इसी के बाद महाराष्ट्र पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सलमान के घर के बाहर पत्र छोड़कर बिश्नोई गैंग बॉलीवुड से मोटी उगाही की प्लानिंग कर रहा था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तत्काल बाद सलमान के घर के बाहर बेंच पर पत्र छोड़ने की मूल वजह भी यही थी। सलमान को बिश्नोई गैंग ने 2018 में भी धमकी भरा पत्र लिखा था। 2020 में उनके घर की रेकी भी की गई थी। मूसेवाला की हत्या की जांच पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच कर रही है। मूसेवाला की हत्या की साजिश में शामिल कुछ आरोपियों को हालांकि पुणे ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पर उनकी कस्टडी पिछले साल अगस्त में महाराष्ट्र में हुए एक मर्डर केस में ले ली गई। हाल ही में पुलिस आयुक्त संजय पांडे जनता के साथ संवाद कार्यक्रम के तहत मुलुंड के नवघर इलाके में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न की घटना से आहत हुए थे। उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोबारा ऐसी घटना न घटे, इसके लिए सभी स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट कराए जाने की बात कही है। नवघर में 23 मई को एक निजी स्कूल में 5 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का आरोप 51 वर्षीय चपरासी पर लगा था। इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा किए गए हंगामे एवं प्रशासन की कार्रवाई पर उठे विवाद के बाद आयुक्त ने शैक्षणिक संस्थाओं अथवा परिसरों में छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ली। इसी कड़ी में उन्होंने सभी स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट की जाँच करने की बात कही थी।
इसी आलोक में शैक्षणिक संस्थानों के खुलते ही मुंबई पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस परिक्षेत्र के तहत आने वाले 5 प्रादेशिक विभागों के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एवं 12 क्षेत्रीय विभागों के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले शैक्षणिक संस्थानों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को पुणे के संत तुकाराम शिला मंदिर देहू में उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। सुले ने इसे राज्य का अपमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि पवार को बोलने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन बीजेपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भाषण दिया। सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि यह महाराष्ट्र का अपमान है। सुले ने अमरावती में कहा कि वो उपमुख्यमंत्री होने के साथ ही जिला प्रभारी मंत्री भी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें मंच पर आने की मंजूरी नहीं दी। याद रहे, महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली थी और अजित पवार उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे। हालांकि समारोह के 3 दिन बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा हो गया था। बाद में एनसीपी ने कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई। अजित दादा का कदम तब भी कम नहीं हुआ था और आज भी कम नहीं है, पर उन्हें कमतर आंका गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होने वाली विपक्ष की बैठक में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को न्योता नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे बुलाया जाता तो भी मैं नहीं जाता। तो खबर है कि महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दूरसंचार विभाग के 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो उधर दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज फिर पूछताछ के लिए पहुंचे। इसी बीच कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का प्रदर्शन जारी रहा। इसी बीच पूर्व IPS और पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी सिखों को लेकर की गई एक मजाकिया टिप्पणी पर घिर गई है। चेन्नई में पुस्तक के विमोचन के दौरान किरण बेदी ने 12 बजे वाला एक जोक सिखों को लेकर बोला था। देशभर की 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होने वाली विपक्ष की बैठक में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को न्योता नहीं दिया गया है। वही जब इस बाबत ओवैसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया है, लेकिन अगर मुझे बुलाया जाता तो भी मैं नहीं जाता। ओवैसी ने इसकी वजह कांग्रेस को बताया है। उन्होंने कहा कि TMC हमें खरी खोटी सुनाती है, अगर वह हमें बैठक में बुलाती तो हम नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को बैठक में बुलाया है। बैठक में 22 दलों को न्योता दिया गया है। गौर करने वाली बात है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर TMC TRS के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है, लेकिन TRS ने आपत्ति जताई है कि बैठक में कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है। TRS साफ तौर पर कह चुकी है कि वह कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं करेंगी। इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। सूत्रों के अनुसार बीजू जनता दल भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। YSRPC भी इस बैठक से दूर रह सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी बैठक से दूर रहने की चर्चा है। बहरहाल देखने वाली बात तो यह है कि आज होने वाली बैठक में क्या विपक्षी दल राष्ट्रपति पद के लिए किसी एक नाम पर आम सहमति बना पाते हैं या नहीं। महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। रिपोर्ट की माने तो गोपाल कृष्ण गांधी को विपक्ष की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया है और इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए उन्होंने समय मांगा है। सूत्रों की माने तो लेफ्ट पार्टियों ने NCP मुखिया शरद पवार के साथ मुलाकात के दौरान पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी के नाम को आगे बढ़ाया था। लेफ्ट पार्टियों के इस सुझाव का शरद पवार ने कोई विरोध नहीं किया है, पर देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष के सभी दल गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर एकमत हो पाते हैं या नहीं। वर्ष 2017 में उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के दौरान गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के एकमत उम्मीदवार थे। उनके नाम पर लगभग पूरा विपक्ष सहमत था। हालांकि MVNK के खिलाफ गोपाल कृष्ण गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष की ओर से गोपाल कृष्ण गांधी से फोन पर बात की गई है और उनसे अपील की गई है कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करें। विपक्ष उन्हें साझा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहता है। हालांकि गोपाल कृष्ण गांधी के अलावा कुछ अन्य नेताओं के नाम पर भी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस नीलामी के जरिए सफल बोलीदाताओं को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। ये नीलामी की ये प्रक्रिया अगले महीने जुलाई में होगी, जिसके बाद 5G सेवाएं शुरू हो जाएगी। हालांकि भारत में 5G सर्विस शुरू करने की तारीख अभी तय नहीं है। दूरसंचार विभाग ने 5G नीलामी के प्रस्ताव को रखा था।
जिसे बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 20 साल के लिए मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक भारत में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी जुलाई 2022 में होगी। 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72,97.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। इसके लिए सफल बोली लगाने वाले 20 समान मासिक किश्तों में 5G स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि 5G सेवा में नए युग के व्यवसाय बनाने, उद्यमों के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता है। 5G सेवाएं 4G की तुलना में करीब 10 गुना तेज होगी। बता दें कि 5G सेवा की शुरुआत के लिए देश भर में स्ट्रीट फर्नीचर के इस्तेमाल की योजना है। इस सेवा के लिए काफी अधिक संख्या में सेल लगाने की आवश्यकता होगी, तभी असली स्पीड मिल सकेगी। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को फिर पूछताछ के लिए पहुंचे। इसी बीच कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और टायरों में आग लगा दी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान नेताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। आगजनी के अलावा कांग्रेस नेता लगातार बैरिकेड्स को धक्का मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पुलिस के अधिकारियों का जिक्र करते हुए चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि ये सब याद रखा जाएगा। पहले खबरें आई थी कि अधीर रंजन चौधरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अजय माकन समेत कई बड़े नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। इसके बाद सुबह सुबह पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। गौरतलब है कि जांच एजेंसी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही है। इस कदम से बौखलाए कांग्रेस नेता देश भर में गत 3 दिन से हंगामा कर रहे हैं। कई स्थानों पर इसका प्रदर्शन उग्र भी हुआ है, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। कांग्रेस नेता नाहक ही कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। पूर्व IPS और पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी सिखों को लेकर की गई एक मजाकिया टिप्पणी पर घिर गई है। दरअसल चेन्नई में एक पुस्तक के विमोचन के दौरान किरण बेदी ने 12 बजे वाला एक जोक सिखों को लेकर बोला था। उनकी इस टिप्पणी वाला वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया और किरण बेदी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी जनरल सिंह ने ट्वीट किया कि मुगल जब इस देश को लूट रहे थे, महिलाओं का अपहरण कर रहे थे, तब सिखों ने उनसे लड़ाई लड़ी थी, बहनों और बेटियों को बचाने का काम किया था। 12 बजे का वक्त मुगलों पर हमला करने का था। ये हमारा इतिहास है। ऐसे नेताओं पर शर्म आती है जो सिखों का मजाक बनाते हैं। यही नहीं, उन्होंने इस टिप्पणी को लेकर किरण बेदी से माफी मांगने की भी मांग की। हालांकि विवाद को बढ़ता देख किरण बेदी ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मैं सिख समुदाय का बहुत सम्मान करती हूं, मैं गुरु नानक देव जी की भक्त हूं, मैंने जो कुछ भी कहा था उसे गलत तरीके से न समझा जाए, मैं माफी मांगती हूं, मैं सेवा और दयालु में यकीन रखती हूं, कृपया मेरी मंशा पर किसी भी तरह का संदेह न रखे। नीदरलैंड की दूर दक्षिणपंथी सांसद गेर्ट वाइडल्स ने एक बार फिर कहा है कि मैं इस्लाम से 1 लाख गुना अधिक हिंदू धर्म का सम्मान करता हूँ। तो पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लोगों से चाय कम पीने को कहा है। वहीं जर्मनी के एक कैथोलिक चर्च में पादरी द्वारा बच्चों के साथ व्यापक दुर्व्यवहार के मामले उजागर हुए हैं। इसी बीच दावे किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से इजराइल में सत्ता की कुर्सी पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मिल सकती है। तो उधर मुशर्रफ के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बड़ा दिल दिखाते हुए मुशर्रफ के पाकिस्तान लौटने की अनुमति देने का आह्वान किया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पैगंबर मोहम्मद को लेकर भाजपा की पूर्व नेता नूपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी का समर्थन करने के बाद एक बार फिर से नीदरलैंड के दूर दक्षिणपंथी सांसद गिल्ट वाइल्डर्स ने ट्वीट किया है। इस बार वह हिंदू और मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी कर चर्चा में है। सांसद गिल्ट ने ट्वीट कर लिखा है कि सांस्कृतिक साक्षेपवाद एक भ्रामक अवधारणा है। लोग समान है लेकिन संस्कृतियाँ नहीं है। मानवता और स्वतंत्रता पर आधारित संस्कृति असहिष्णुता और गुलामी पर आधारित संस्कृति से हमेशा बेहतर होती है। इसलिए मैं इस्लाम से 1 लाख गुना अधिक हिंदू धर्म का सम्मान करता हूँ। अपने इस्लाम विरोधी बयानों के लिए पहचान बना चुके सांसद गिल्ट ने इससे पहले एक ट्वीट में कहा था कि मैं न तो हिंदू हूँ और न ही भारतीय, लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक धर्म को नीचा दिखाया जाए और दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने को लेकर विवाद खड़ा कर दिया जाए। इससे पूर्व एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारतीय लोगों को एक तरह से सचेत करते हुए कहा था कि अगर नूपुर शर्मा को निशाना बनाया जा सकता है तो आप भी निशाने पर आ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पर धमकियों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि वीर नूपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए मुझे धमकियाँ दी जा रही है। जान से मारने की सैकड़ों धमकियाँ मिल चुकी है, लेकिन ये मुझे और भी ज़्यादा मजबूत और उन्हें समर्थन के लिए गर्व महसूस करा रहा है। अंत में लिखा है, बुराई की कभी जीत ना हो, कभी नहीं। बता दें कि सांसद गिल्ट वाइल्डर्स ने अपने देश में इस्लाम पर बैन का अभियान भी चुके हैं।
नीदरलैंड्स की सियासत में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। उनकी राजनीतिक विचारधारा धुर दक्षिण पंथ वाली है। बयानों के चलते गिल्ड को नीदरलैंड का डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है। पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यहाँ की इकोनॉमी एकदम से पस्त हो चुकी है। सरकार को पता ही नहीं चल रहा है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे उबारा जाए। शहबाज सरकार चीन, सऊदी अरब जैसे देशों से कर्ज की तलाश में है। इसके साथ ही इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी मदद की आस में है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार की हताशा तब और झलक गई जब एक केंद्रीय मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लोगों से चाय कम पीने के लिए कह दिया। केंद्रीय मंत्री एहसान इकबाल ने देश की ढह रही अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लोगों से कम चाय पीने की अपील की है। बाकायदा एक प्रेस मीटिंग में एहसान इकबाल ने कहा कि मैं देश की जनता से रोजाना एक प्याली, दो दो प्यालियां कम पीने की आग्रह करता हूँ। मंत्री ने कहा कि अभी हम जो भी चाय खरीदते हैं वह भी हम उधार लेकर खरीदते हैं। एहसान इकबाल फिलहाल योजना विकास और स्पेशल इंसेंटिव के प्रमुख है। मंत्री एहसान मलिक का यह बयान इसके बाद पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कुछ यूजर्स का कहना है कि अब सरकार को चाहिए कि वह घर घर जाकर यह मॉनिटर करे कि लोग कितनी चाय पी रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने मंत्री एहसान मलिक को ही चाय और सुट्टा पीना बंद करने की सलाह दे डाली। बता दें कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त काफी तेजी से बिगड़ रही है और पाकिस्तान को अगर फौरन मदद नहीं मिली तो देश के हालात अगले कुछ महीनों में श्रीलंका जैसे ही हो जाएंगे। कुछ अनुमानों में इस वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान का चालू खाता घाटा लगभग 17 अरब डॉलर या उसकी जीडीपी से 4.5% से ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 10 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। जर्मनी के कैथोलिक चर्च को हाल के वर्षों में ऐसी कई रिपोर्ट्स ने हिलाकर रख दिया है जहां पर पादरी द्वारा बच्चों के साथ व्यापक दुर्व्यवहार के मामले उजागर हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन धर्म प्रांत मुएंस्टर में कम से कम 600 युवाओं को कैथोलिक पादरियों द्वारा दुर्व्यवहार के पीड़ित के रूप में दर्ज किया गया, लेकिन ऐसे पीड़ितों की वास्तविक संख्या 10 गुना अधिक हो सकती है। मुएंस्टर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार धर्म प्रांत के पास 610 दुर्व्यवहार पीड़ितों के आधिकारिक रिकॉर्ड है। यह संख्या 2018 के पिछले अध्ययन में दिए गए संकेत से लगभग एक तिहाई अधिक है। हालांकि अध्ययन में शामिल इतिहासकार नताली पावरोजेनिक ने कहा कि सूबे में लगभग 5000 से 6000 लड़कियां और लड़के पीड़ित हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चर्च के पुरोहित वर्ग के 196 पुरुष सदस्यों, जिनमें 183 पादरी है, द्वारा यौन शोषण के कम से कम 5700 व्यक्तिगत कृत्य किए गए थे। इसमें शामिल पादरियों में से 5% सीरियल अपराधी पाए गए। उन्होंने 10 से अधिक मासूम लोगों के साथ गलत काम को अंजाम दिया। वहीं 10% से कम लोगों को कानूनी परिणाम का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1960 और 1970 के दशक के दौरान दुर्व्यवहार चरम पर था। सूबे में प्रति सप्ताह औसतन 2 मामले घटे। 4 पीड़ितों में से 3 लड़के थे, जिनमें से अधिकांश 10 से 14 वर्ष के बीच के थे। साथ ही इससे जुड़े कई मामलों का भी खुलासा हुआ है। मुइंस्टर के धर्माध्यक्ष फेलिक्स जैन ने कहा कि वह स्वाभाविक रूप से उन गलतियों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे जो मैंने खुद यौन शोषणों से निपटने में की थी। इजराइल में प्रधानमंत्री नेप्ताली बेनेट की गद्दी खतरे में है। उनकी गठबंधन सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। अल्पमत में चल रही उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है। बेनेट की सरकार के पास विपक्ष से मात्र 1 सीट अधिक थी, लेकिन अब सरकार में सहयोगी रही एक पार्टी ने गठबंधन से बाहर आने का फैसला किया है। ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से इजराइल में सत्ता की कुर्सी पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मिल सकती है। इजराइल में 2 साल में 4 सरकारें अल्पमत में रही है। खुद बेनेट के मुताबिक अगले 1 या 2 सप्ताह में यह तय हो जाएगा कि उनकी सरकार रहेगी या गिर जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 8 पार्टियों के गठबंधन में शामिल अरब समर्थक पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट फिलिस्तीन के मामले पर बेनेट सरकार से नाराज है। फिलिस्तीनी बस्तियों को लेकर अरब लिस्ट पार्टी का पहले भी सरकार से टकराव रह चुका है। दावे में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से सरकार बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ 2 सीटों का इंतजाम करना होगा। नेतन्याहू 12 साल प्रधानमंत्री रह चुकी है। अगर बेनेट सरकार गिर जाती है तो 2 रास्ते होंगे। पहला, नए चुनाव कराने होंगे और दूसरा, नेतन्याहू बहुमत का फिर जुगाड़ करे और सरकार बना ले। बता दें कि 2019 से लेकर अब तक इजराइल में अब तक 4 आम चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। आखिरी चुनाव मार्च 2021 में हुए थे। इसके बाद भी कोई भी दल बहुमत नहीं साबित कर रहा था, तो बेंजामिन नेतन्याहू पीएम बने थे। इसके बाद 13 जून 2021 को नप्ताली बेनेट ने सदन में बहुमत साबित किया और पीएम बने। बेनेट उन्हीं नेतन्याहू को कुर्सी से हटाकर प्रधानमंत्री बने थे जिन्हें उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है।
पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ की हालत गंभीर है और अब उनके ठीक होने के चांस खत्म हो गए हैं। मुशर्रफ की अंतिम इच्छा है कि उनका अंतिम समय पाकिस्तान में गुजरे। परवेज मुशर्रफ के परिवार ने गुहार लगाई है कि उन्हें पाकिस्तान आने की अनुमति दी जाए। इस बीच मुशर्रफ के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि उन्हें पूर्व तानाशाह से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने मुशर्रफ के पाकिस्तान लौटने की अनुमति देने का आह्वान किया। इस बीच सेना ने भी ऐलान कर दिया है कि मुशर्रफ की अंतिम इच्छा को देखते हुए पाकिस्तान लाया जाएगा। परवेज मुशर्रफ अभी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में है। लंदन में मौजूद नवाज शरीफ ने ट्वीट करके कहा कि मेरी मुशर्रफ से कोई निजी दुश्मनी या कटुता नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को उस दर्द को सहना पड़े जिससे मुझे अपने अजीज लोगों के लिए गुजरना पड़ा है। मुशर्रफ की तरफ से नवाज शरीफ को कई साल तक निर्वासन में जीवन गुजारना पड़ा है। बता दें कि नवाज शरीफ और मुशर्रफ के बीच रिश्ते उस समय तल्ख हो गए थे जब साल 1999 में नवाज शरीफ पीएम थे और तत्कालीन आर्मी चीफ मुशर्रफ ने उनकी सरकार को उखाड़ फेंका था। मुशर्रफ के परिवार के मुताबिक अब वह इस हालत में पहुंच चुके हैं कि उनका इलाज हो पाना संभव नहीं है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने भी कहा है कि मुशर्रफ के पाकिस्तान लौटने का फैसला उनके परिवार और डॉक्टरों को लेना है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीके बी न्यूज़। नमस्कार।